लॉन्ग रिवी वेल्स हमारे छोटा सी क्वेटा शहर का एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से सारा साल दुबई, जद्दा और मदीना पाक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट आती और जाती रहती हैं। हज के मुबारक दिनों में हज परवाजें हाजियों को लेकर मदीना मुनव्वरा या जद्दा क्वेटा से ही आती जाती और हाजियों को वापस क्वेटा लेकर आती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों को कभी भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लाल रिव्यूवर्स बहुत साल पहले क्वेटा एयरपोर्ट से बहुत सी एयरलाइंस की परवाज इजीली मिल जाया करती थी। इन एयरलाइंस में बूजा, एयर ब्लू, शाइन और सैरीन की परवाजें काबिल जिक्र हुआ करती थी। जी जनाब, मगर अब सिर्फ एक ही एयरलाइन पे आइए अपने सिलेक्टेड दिनों मंगल, जुम्मा और इतवार को ही लाहौर, कराची और इस्लामाबाद आती जाती है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, पाकिस्तान इंटरनेशनल की जानिब से कप्तान शारदा इस्माइल और उनका अमला आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम इंशाल्लाह एक घंटा और पाँच मिनट में लाहौर पहुंचेंगे। बराए मेहरबानी अपने हिफाजती बंद बांध लें, नशीज की पुस्त सीधी रखें, खाने की मेज बंद कर लें, खिड़की के पर्दे खुले रखें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर लें क्योंकि इसके इस्तेमाल से जहाज का नेविगेशन और कम्युनिकेशन का निज़ाम मुतासर हो सकता है। जी साहब, ऐसे में अगर किसी को कहीं इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो वो बाय एयर नहीं जा सकता। ये बात अगर कोई दूसरी एयरलाइन भी क्वेटा से लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के लिए अपनी फ्लाइट लॉन्च करें तो यहाँ के मकीनों को काफी रिलीफ मिल सकेगा क्योंकि पीआईए अपने मखसूस दिनों में ही फ्लाई करता है। अगर कोई दूसरी एयरलाइन भी क्वेटा से अपनी परवाज शुरू कर दे तो मुसाफिरों को कहीं भी इमरजेंसी में जाना पॉसिबल हो सकेगा। बाय द वे, कौन कौन मेरा इस बात से एग्री करता है कि पीआईए के अलावा भी कोई और एयरलाइन का होना भी क्वेटा एयरपोर्ट पर ज़रूरी है ताकि जब पीआईए की परवाज ना हो तो दूसरे एयरलाइन को ज्वाइन किया जा सके। उम्मीद है कि कभी ऐसा भी मुमकिन हो सकेगा। जहाज़ का सफ़र दूरी को नज़दीकी में हवा के दोष पर हमारे प्यारों के करीब ले आता है। इस अजीम शान हैरत अंगेज़ ईजाद पर जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कम है। हम कहां से कहां आकर एयरबस में पहुंच जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो बुराई मेरे तो कोई हो ही नहीं।